मुख्यमंत्री गहलोत से इस प्रकरण के बाद आज पहली दफा में मिला और पहली बात मुख्यमंत्री गहलोत ने करी कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति देखिए, इस पर भी आप विचार देखिए कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि सभी राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाए और कार्रवाई ऐसी की जाए कानूनी, और राजस्थान ने यहां पर छाप छोड़ते हुए एग्जाम्पल ऐसा सेट किया कि कानूनी मामलों को लेकर के कोई भी हो जीरो टॉलरेंस की नीति उस पर है, उसी का एक परिचय मुख्यमंत्री गहलोत ने कर दिया। उन्होंने कहा कि आप फिलहाल इस मामले को बढ़ाएं ना और अभी सरेंडर कर दीजिए, अगर आप जो आरोप है वो निराधार है तो आप निष्पक्ष वापस से आएंगे, और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा हालांकि कि आरोप जो उन पर लगे हैं वो निराधार है। अधिक जानकारी के साथ में धौलपुर से सहयोगी विनोद इस वक्त ऑनलाइन पर बने हुए। विनोद, कल सरेंडर किया था विधायक गिरिराज मलिंगा ने और आज एससी एसटी कोर्ट में पेश उन्हें किया गया है, फिलहाल क्या जानकारी दे पाएंगे इस पर? देखिए, पूरे मामले की बात करें तो सुबह करीबन 10:30 बजे इस प्रकार से सदर थाने में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा थे, वहां से 10:30 बजे के बाद सीआईडी सीबी की टीम को लेकर रवाना हुई थी। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मेडिकल होगा, लेकिन टीम जो थी वो भाई नक्शा मौका के लिए उनको बाड़ी ले गई थी जहाँ ये पूरी घटना घटी थी। उसके बाद जिला चिकित्सा लेकर टीम पहुंची थी जहाँ पर मेडिकल बोर्ड से इनका मेडिकल बोर्ड मेडिकल कराने के बाद अभी एससी कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। वकीलों के अंदर जेरे होती है, जेरे के बाद अभी फैसला आना बाकी है कि उनको पीसी जेसी या जमात क्या होगा, अभी फैसला आना बाकी है। फिलहाल एससी कोर्ट के अंदर विधायक भी मौजूद है, सीआईडी सीबी की टीम भी मौजूद है, भारी पुलिस जाप्ता भी मौके पर तैनात है। वहीं समर्थकों की बात करें तो समर्थक भी सुबह से ही लगातार मौजूद है, अभी भी करीबन सैकड़ों की संख्या में दर्शक वो जो उनके समर्थक हैं समर्थक कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। जी विनोद, इसके अलावा आप जो जानकारी दे रहे हैं अभी कोर्ट पे पेश किया जा रहा है और दलीलों का दौर जारी है, इसके बाद में क्या न्यायिक अभिरक्षा की पुलिस की ओर से, चूंकि क्राइम ब्रांच भी इसकी जो तफ्तीश है वो करी थी, उनकी ओर से मांग ऐसी की गई है क्या? देखिए, दोनों पक्षों की ओर से गिरह हुई है, गिरह के बाद जो फैसला आना है फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है, अभी न्यायालय के अंदर मौजूद है, फैसला आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि न्यायिक अभिरक्षा मिलती है या बेल, इस पर भी फैसला आना बाकी है। फिलहाल अभी न्यायालय के अंदर ही मौजूद है विधायक के साथ सीडीसीबी की टीम भी मौजूद है, दस्तावेज के साथ अभी फिलहाल एससीएसटी कोर्ट के अंदर मौजूद है। जी विनोद, इसके अलावा कल देखिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट परिसर में उन्होंने अपना सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद में रात कहां पर व्यतीत की गई आपको जानकारी होगी कि उन्हें धौलपुर की बाड़ी ले जाया गया था, कहां पर वो रुके रात में और उसके बाद में सुबह से लेकर के अब क्या कितने बजे से जो कोर्ट के समक्ष पेशी है वो चल रही है? देखिए, जिस प्रकार से देर शाम को करीबन 7 बजे के आसपास जैसे कि टीम लेकर पहुंची थी, उसके बाद सदर थाना जो धौलपुर बिल्कुल विनोद, और देखिए लगातार